दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अक्सर बाघ, शेर, चीता और तेंदुए में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा शेर है, कौन सा बाघ है और कौन सा चीता है और कौन सा तेंदुआ है। जबकि बिल्ली प्रजाति के होते हुए भी इन चारों में बहुत अंतर है। दोस्तों, ये बिल्ली प्रजाति के सबसे बड़े जानवर हैं, इसलिए इन्हें बड़ी बिल्लियां भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जान लेते हैं कि बाघ, शेर, तेंदुआ और चीते में क्या फर्क होता है। दोस्तों, पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ही दबा दें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं चीता के बारे में। दोस्तों, हमें सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन होता है चीता और तेंदुओं को पहचानने में। ये दोनों लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। बता दें कि चीता आकार में तेंदुए के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है। इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर होता है कि चीता दहाड़ नहीं सकता और तेंदुआ दहाड़ता है। दोस्तों, दुनिया के सबसे तेज जानवर की आंखों से मुंह तक गहरी काली रेखाएं होती हैं। बता दें कि चीते का चेहरा बिल्ली प्रजाति के अन्य जानवरों की तुलना में थोड़ा छोटा होता है और इसके शरीर पर काफी छोटे काले रंग के धब्बे होते हैं। अब बात करते हैं लेपर्ड की, यानी कि तेंदुए की। ज्यादातर लोग अक्सर तेंदुए को चीता बोल देते हैं। बता दें कि तेंदुए के शरीर पर छोटे छोटे काले रंग के स्पॉट होते हैं और चीते की तुलना में इसकी गदकाठी भारी होती है। हालांकि इसका आकार बाघ और शेर के मुकाबले छोटा होता है। और वही अगर बात की जाए लॉयन यानी कि शेर की, तो शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। दोस्तों, शेर को पहचानना बेहद आसान है। इसके गले में बालों का एक बड़ा घेरा होता है और जिसे इसके मुकुट के तौर पर भी देखा जाता है। और इनके शरीर पर किसी भी तरह की धारियां नहीं होती हैं। ये हल्के या गहरे भूरे रंग के होते हैं और शेर की दहाड़ सबसे ज्यादा तेज होती है। और बात की जाए बाघ यानी कि टाइगर की, तो इसे पहचानना बेहद आसान होता है। बाघ का शरीर ऑरेंज रंग का होता है जिस पर काले रंग की धारियां होती हैं। साथ ही इसके गले से लेकर नीचे तक का हिस्सा कई जगह से सफेद रहता है। और शारीरिक बनावट में बाघ शेर के मुकाबले लंबे होते हैं और इनका वजन भी शेर से ज्यादा होता है। दोस्तों, उम्मीद है अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि शेर, बाघ, तेंदुआ और चीते में क्या फर्क होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।